हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम कर रहे अपने आईटी एग्ज़ाम 2024 की तैयारी, और आज की इस तैयारी के लिए हमारी क्लास होने वाली है क्लास नंबर 4। और ये सामने आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्लास 3 हमारी ऑलरेडी हो चुकी है, मतलब पिछली जो क्लासेस हैं हमारी हो चुकी हैं, और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नंबर 4। ये क्वेश्चंस आपको सामने दिख रहे होंगे, ये हम कर चुके हैं। ओके, तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कितने क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। तो जिन्होंने अभी तक क्लासेस को नहीं देखा है, पिछली क्लासेस, जो चैनल पर नए हैं उनको हम बता दें कि हम कर रहे हैं अपनी आईटी कोपा थ्योरी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आज हमारा होने वाला है टॉपिक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि एमएस वर्ड हमारा टॉपिक रहने वाला है आज की क्लास में। तो देखिए, जो भी स्टूडेंट है, मैं हर क्लास में बार बार बोलती हूँ कि ये न्यू सिलेबस पर आधारित है, मतलब आपके जो पाइथन है, माई एसक्यूएल है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, इनको भी हम इन्हीं क्लासेस में करवाएंगे, राइट। निमी बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज का आपको कोई इशू नहीं रहने वाला है, इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। मेरा सजेशन ये है कि आप इंग्लिश पर थोड़ा ध्यान दें, राइट। टॉप स्टार्ट करते हैं हम अपने इस टॉपिक को पहले क्वेश्चन से। विच कमांड इज यूज टू स्टोर द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली, सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है हमारे सेव, सेंड, प्रिपेयर या फिर सेव एज। तो जो भी हमारा एक्टिव डॉक्यूमेंट है, यानी कि हम किसी पर भी किसी डॉक्यूमेंट पर काम कर रहे हैं, एक्सेल पर काम कर रहे हैं, तो वो हमारा एक्टिव डॉक्यूमेंट हुआ। उसे अगर हमें सेव करना है, यानी कि हमें उस चीज़ को स्टोर करना है, अब स्टोर करेंगे तो सेव करेंगे ना, तो क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, सेव। सेकेंड क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू हाईलाइट द इंटायर वर्ड डॉक्यूमेंट, संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हमें कोई भी वर्ड डॉक्यूमेंट है उसको हाईलाइट करना है, उसको हाईलाइट करना है तो किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करेंगे? हाईलाइट, ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम का क्वेश्चन है, माई एग्जाम क्वेश्चन। ओके, जो जो मुझे याद आते जा रहे हैं मैं आपको बताती जा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सारे क्वेश्चन आप बताएं, 100 में से 100 क्वेश्चन आप बताएं, तो देखिए ये पॉसिबल नहीं है। 3 साल हो गए हैं मुझे एग्ज़ाम दिए, तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम हो जाती है कि मैं 100 में से 100 क्वेश्चन आपको बता दूं, राइट। मुझे जैसे एकदम से याद आ जाते हैं, जैसे ऑप्शन में से क्वेश्चन याद नहीं आ रहा लेकिन ऑप्शन याद रहते हैं, तो इस तरीके से मैं आपको बताती चलूंगी कि मेरे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो संपूर्ण शब्द दस्तावेज को हाईलाइट करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी है वो है Ctrl+A। थर्ड है, विच टूल इन एमएस वर्ड इज यूज टू कीप द फैमिलियर एंड रिपीटेड ऑप्शन, एमएस वर्ड में किस उपकरण का उपयोग परिचित और दोहराया विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? ध्यान से सुनिए, एमएस वर्ड में किस उपकरण का उपयोग, जो भी एमएस वर्ड सीखे हुए हैं, एमएस एक्सेल सीखे हुए हैं, पावर पॉइंट सीखे हुए हैं, आगे की क्लास में बहुत हेल्प होगी, राइट। जो एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट को सीखना ये एक बेसिक स्किल है। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हो या फिर सीख चुके हो तो आपको ये इनकी एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड पावर पॉइंट, राइट, एमएस पावर पॉइंट की नॉलेज आनी जरूरी है, तो ही वही आपकी बेसिक स्किल कहलाएगी। तो एमएस वर्ड में किस उपकरण का उपयोग परिचित और दोहराए विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है? तो वो है क्विक एक्सेस टूल बार, त्वरित पहुंच टूल बार। अगर हिंदी में बात करें तो उसको कहेंगे त्वरित पहुंच टूल बार। नेक्स्ट है, विच एरिया इन एमएस वर्ड इज यूज टू इंटर द टेक्स्ट, एमएस वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ में प्रवेश करने के लिए किया जाता है? देखो, एमएस वर्ड में हमें किसी क्षेत्र में टेक्स्ट को इंटर करना है, तो जहां पर हम टेक्स्ट को इंटर करते हैं वो क्या कहलाता है? कहां पर हम उस टेक्स्ट को इंटर करते हैं? वर्क स्पेस, वर्कशीट, स्लाइड या फिर वर्क बुक? क्या होगा? वो होगा वर्क स्पेस, वर्क स्पेस। अगर यहां पर एमएस एक्सेल होता तो इसका आंसर होता वर्कशीट, राइट। नेक्स्ट है, विच बार कंटेन्स द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन एमएस वर्ड, माय एग्जाम क्वेश्चन। विच बार कंटेन्स द करंट पोजीशन ऑफ द कर्सर इन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है? मेरे 2 बार एग्जाम हुए थे, मैंने पिछली जो क्लास है, क्लास नंबर 3, उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे 2 बार एग्जाम कैसे हुए थे। नहीं पता है तो आपको देखो क्लास भी
देख लो। और मैंने उसमें पिछली क्लास में मैंने बहुत एक्सपीरियंस अपने शेयर किए थे, उसमें से कुछ लोगों ने बोला था कि मैडम जी आप शेयर ना करें अपने एक्सपीरियंस, हमें केवल क्वेश्चन बढ़ाएं। तो देखो जिनको ज़रूरत है वो पढ़ लें, जिनको नहीं ज़रूरत है वो स्किप कर सकते हैं। ओके हाँ, तो इसका आंसर क्या हुआ, एमएस वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में होती है? ऑप्शन है लेआउट, टाइटल बार, स्टेटस बार या फिर हॉरिजॉन्टल रूलर। तो एमएस वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति होती है स्टेटस बार में। इसका आप, मैं सच बताऊं मुझे इसका आंसर पता नहीं था। ये क्वेश्चन कब का है, जब मेरा जो एग्जाम है वो कैंसिल हो गया था, कैंसिल हो गया, तो उस टाइम मेरी तैयारी नहीं थी बिल्कुल, क्योंकि तब मैंने कंप्यूटर भी नहीं सीख रखा था, ये सारी चीज़ें सीखी नहीं थी, राइट। मुझे ऐसा लग रहा था कि हो जाएंगे पास। तो जब ये एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था, उस दिन मेरे एग्ज़ाम में, मेरे कंप्यूटर में ये क्वेश्चंस खुल गए थे। मैंने पिछली वीडियो में बताया है कैसे क्या हुआ था, तब ये क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे पता नहीं था। तो मेरे बगल में एक बैठे थे, तो मैंने उनसे पूछा इसका आंसर बता सकते हो, तो बोला हाँ 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 इसका आंसर सही है। तो किसी ने बोला टाइटल बार इसका आंसर, फिर मैंने इधर वाले से पूछा, मैंने कहा बताओ भैया मेरे कंप्यूटर में तो खुल गया है क्वेश्चन, आप बता दो। तो बोले कि नहीं नहीं इसका आंसर ये है। अब मैं कंफ्यूज कौन सा है, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं, मुझे दूर दूर तक आइडिया नहीं कि इसका आंसर है क्या। तो इसमें हो गई थी कंफ्यूज, लेकिन फिर बोले कि नहीं नहीं तुम यही करो, ऑप्शन सी करो, ये सही है, राइट। तो तब मैंने ऐसे ही क्वेश्चन सही किया, तो फिर फायदा नहीं हुआ, कैंसिल ही हो गई परीक्षा। और बढ़िया रहा हो गई, क्योंकि परसेंटेज मेरी ऐसी बनती कि मतलब पूछो मत, किसी की बनी नहीं सकती है। 35 नंबर से पास होती, बहुत ही, मैं क्या बताऊँ, मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज द क्लोज बटन अपीयर इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में क्लोज बटन, यहाँ पर तुरंत वैसा ही डिटो गूगल ट्रांसलेट किया गया है यहाँ पर, लेकिन इसका नजदीकी नहीं होगा। क्लोज का मतलब बंद बटन होगा यहाँ पर, ठीक है। बंद बटन कहाँ दिखाई देता है, जैसे हम किसी डॉक्यूमेंट पर, डॉक्यूमेंट को खोले हुए हैं, कोई भी एमएस वर्ड या फिर पावर पॉइंट खोले हुए हैं, तो हमें वहाँ से बाहर जाना है, यानी कि वहाँ की क्लोज बटन भी तो कहीं होगी ना। अब क्लोज बटन देखो कहाँ होती है, यहाँ पर आ जाओ, ऊपर, सबसे ऊपर आ जाओ, अपने राइट साइड में यहाँ पर होती है क्लोज बटन, ऐसी इस तरीके से। यहाँ पर क्लिक करोगे तो हम अपने डॉक्यूमेंट से बाहर आ जाएंगे। तो एमएस वर्ड में जो क्लोज बटन होती है वो कहाँ पर दिखाई देता है, अब मैंने आपको बता दिया, तो आंसर आप दे सकते हैं टॉप टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। आंसर क्या होगा, टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। अभी मैंने बताया आपको, हमारी जो ऊपर है इसको कहते हैं टॉप, ये कहते हैं नीचे बॉटम, राइट। तो टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ड प्रोसेसर? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस या फिर एम एस ऑफिस पब्लिशर? तो इनमें से जो वर्ड प्रोसेसर है वो है एम एस वर्ड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट स्टाइलिंग फीचर ऑफ एम एस वर्ड? निम्नलिखित में से कौन सा एम एस वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सा एमएस वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है? ऑप्शन ए वर्ड फिल, वर्ड आर्ट, वर्ड कलर या फिर वर्ड फॉन्ट। तो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता की बात हो रही है, तो इसका आंसर होगा वर्ड आर्ट, यानी कि शब्द कला। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन इज यूज टू स्टोर द डुप्लीकेट ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट परमानेंटली? अभी हमने जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन था अभी इसी क्लास का, तो उसमें बोला था कि हम जो एक्टिव डॉक्यूमेंट पर हम काम कर रहे हैं उसको हमें सेव करना है, तो कैसे सेव करेंगे? तो उसका आंसर था सेव, लेकिन उसी डॉक्यूमेंट को हम सेव तो कर चुके हैं, लेकिन अब हमें उसकी डुप्लीकेट को स्थायी रूप से हमें सेव करना है, तो कैसे करेंगे? ऑप्शन है सेव, सेंड, सेव एज या फिर रीनेम। क्या होगा, सेव एज। देखो किसी डॉक्यूमेंट को हम सेव तो कर लेते हैं, सेव कर चुके हैं, लेकिन फिर से हमें उसी डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से सेव करना है, तो सेव एज करेंगे, क्योंकि सेव तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो सेव नहीं होगा, सेव एज करेंगे तभी वो डुप्लीकेट के रूप में, हमारी दूसरी कॉपी के रूप में सेव होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज यूज टू व्यू एन एक्सिस्टिंग वर्ड डॉक्यूमेंट? बाहर निकलने वाले शब्द दस्तावेजों को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? बाहर निकलने वाले शब्द दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है न्यू, ओपन, पब्लिश या फिर प्रिपेयर। क्या होगा इसका आंसर, ओपन। कौन सा ऑप्शन है वो, ओपन। नेक्स्ट है, विच डॉक्यूमेंट व्यू गिवन एन अपीयरेंस एज इन वेब ब्राउजर?
गिवन एन अपीयरेंस एज एन वेब ब्राउजर। ब्राउजर के रूप में, वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है? वेब ब्राउजर के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है? ऑप्शन है हमारे ड्राफ्ट व्यू, आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू या फिर फुल स्क्रीन रीडिंग। क्या होगा इसका आंसर? आंसर है इसका वेब लेआउट व्यू, यानी कि वेब लेआउट दृश्य। नेक्स्ट है, हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन होम मेन्यू? एमएस वर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एमएस वर्ड के होम मेन्यू में कितने समूह होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो होम मेन्यू में हमारे कितने समूह होते हैं? तो वो होते हैं 5। अब वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, स्टाइल एंड पैराग्राफ, एंड लास्ट है हमारा 5, एडिटिंग। तो ये हमारे 5 समूह होते हैं होम मेन्यू में। ठीक है, याद रहेगा? नहीं याद रहेगा तो आप ले सकते हो इसका स्क्रीनशॉट, याद रहेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच ग्रुप इंक्लूड सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में कौन सा ग्रुप सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, स्ट्राइक को शामिल करता है? कौन सा ग्रुप है जो सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक को शामिल करता है? ऑप्शन हमारे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ या फिर स्टाइल? तो वो है हमारा ऑप्शन सी, पैराग्राफ। 14 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार? त्वरित पहुंच टूल बार का उद्देश्य क्या है? त्वरित पहुंच टूल बार का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? अग्रिम समारोह आयोजित करने के लिए, या फिर विशेष समारोह आयोजित करने के लिए, या फिर बुनियादी कार्य करने के लिए, या फिर परिचित और दोहराया कार्य करने के लिए? तो जो हमारा क्विक एक्सेस टूल बार है, इसका काम होता है, उसका उद्देश्य होता है टू होल्ड फैमिलियर एंड रिपीटेड फंक्शन, परिचित और दोहराया कार्य करने के लिए। हमें से जल्दी से कॉमेंट करके ये बताएं कि आप कि ये पहली क्लास है, आप पहली बार इस क्लास में ज्वाइन हुए हो, पहली बार इन क्लास को देख रहे हो। कमेंट करके बताएं तो उससे मुझे पता चलेगा कि आप कितने अवेयर हैं अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अभी तक आप लोग इतना चिल्ला रहे थे कि एग्ज़ाम की टाइम टेबल नहीं आई है, एग्ज़ाम का टाइम टेबल आएगा, कब आएगा, राइट? ये सब आप चिल्ला रहे थे, क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी। भाई मेरी आईडी, ईमेल आईडी पे तक आप लोगों ने कमेंट किए हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आप क्लासेस कब से स्टार्ट कर रहे हो। तो अब क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं और बहुत कम लोग जुड़े हैं, और फिर मैं अभी बता रही हूँ, अभी से आप क्लासेस को ज्वाइन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट एक क्लास को देख लेंगे, फिर दूसरी क्लास नहीं देखेंगे, तीसरी क्लास नहीं देखेंगे, फिर छठी क्लास देखेंगे, फिर दसवीं क्लास देखेंगे, उसके बाद सीधा हमारी लास्ट क्लास देखेंगे और फिर कमेंट करेंगे कि हमें कुछ समझ नहीं आया, मेरे एग्ज़ाम में कुछ आया नहीं। क्योंकि आप पढ़ेंगे नहीं, फिर निगेटिविटी फैलाएंगे कि भाई ये क्वेश्चन तो आए नहीं थे, कहाँ से आपने पढ़ाए हैं, राइट? और भाई और लोगों के 80% लोगों की कैसे क्वेश्चन मैच कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं उनके? क्योंकि वो पढ़ रहे हैं, राइट? आप लोग एक दो क्लास देखोगे, अपने आप को समझ लोगे कि हाँ ये सिंपल है, हमने तो कर लेना है इनको, राइट? एग्जाम के 5 दिन पहले अगर आपने कमेंट में धक्का मुक्की की, मैडम ये कर दो, वो कर दो, फिर से क्लासेस करवा दो, सो प्लीज जैसे जैसे मैं क्लासेस करवाती जा रही हूँ, आप लोग उनको करते जाइए। मेंबरशिप के लिए मैं कोई बिल्कुल भी ज़्यादा फोर्स नहीं कर रही हूँ कि आप मेरे चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, मेंबरशिप ले लीजिए, बिल्कुल फोर्स नहीं कर रही हूँ। आप इन्हीं क्लासेस को देखेंगे, आप काफ़ी हद तक अपने एग्जाम में स्कोर कर लेंगे, ओके? ठीक है, चलो बढ़ते अपने क्वेश्चन पे। व्हाट इज द पर्पस ऑफ गटर मार्जिन? गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग। आप कहोगे हिंदी में इसके वो ऑप्शन क्यों नहीं किया आपने, तो मेरी बात सुनो, इसका मैं आपको आंसर बता देती हूँ किस तरीके से है। अब गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या होता है, तो आप देख लिए, तो आप देखिए, एक बुक लीजिए, वो भी खुली हुई। हमने एक ये बुक ले ली है, ये खुली हुई है, ओके, ये खुली हुई है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखे हैं, अब इसी बुक से आपको पता चलेगा कि गटर मार्जिन होता क्या है। अब गटर मार्जिन वो होता है, यहाँ पे मार्जिन की बात आ रही है, आपने देखा होगा कि
जो हम लोग अपनी शर्ट या कुछ भी ड्रेस सिलवाते हैं तो वो मार्जिन छोड़ते हैं, मतलब सिलाई करते हैं उसके बाद मार्जिन छोड़ते हैं। क्यों छोड़ते हैं? शायद किसी को ढीला करना हो या फिर थोड़ा सा टाइट करना हो, ऐसे तो वो मार्जिन छोड़ते हैं। बोलते हैं ना कि आपने कम मार्जिन छोड़ा या फिर आपने ज़्यादा मार्जिन छोड़ दिया है, ऐसी मतलब शब्द सुने होंगे आपने मार्जिन टाइप का। तो यही मार्जिन यहाँ पर क्वेश्चन में बताया गया है कि गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इसका उद्देश्य सबसे पहले आंसर देख लेते हैं। इसका उद्देश्य होता है मार्जिन दैट इज एडेड टू बाइंडिंग साइड ऑफ पेज व्हेन प्रिंटिंग, मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन। आप समझ लेते इस ऑप्शन का अर्थ क्या है, कैसे ये हमारा आंसर हुआ। तो देखो, गटर मार्जिन का उद्देश्य होता है, ये हमारी बुक है, तो बुक में यहाँ पर ये बीच में ये क्या किया गया है, इसको इसको जोड़ा गया है, बाइंड किया गया है। और आपने बुक में देखा होगा कि जब भी बाइंड की जाती है टेक्स्ट बुक तो यहाँ पर कुछ जगह छोड़ दी जाती है, इतनी आपने देखा होगा खाली जगह इतनी रहती है, राइट। तो इसी को कहते हैं गटर मार्जिन, ये बीच में जो है खाली जगह छोड़ देते हैं। आप लोग बुक खोल के देखो, अभी अभी नहीं तो कभी देख लेना, आपको जहाँ पर ये बाइंड होगी, ये खुली बुक है राइट, खुली बुक है, बंद बुक नहीं है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जगह खाली छोड़ी होती है क्योंकि वहाँ पर बाइंडिंग होती है, और खोलते हैं तब उतने ही जहाँ तक टेक्स्ट होते हैं उतने ही हमें दिखाई देते हैं। बाइंडिंग वाला साइड जहाँ मार्जिन छोड़ रखे होते हैं वहाँ पर, वो इसलिए है ताकि टेक्स्ट सभी को दिखाई दें, वो अंदर बाइंडिंग में ना चले जाए टेक्स्ट, इसलिए वो गटर मार्जिन छोड़ा जाता है। तो आपको इसका उद्देश्य पता चल गया, गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या होता है, मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में छोड़ा गया मार्जिन। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एक्स बटन। अभी जस्ट इसी क्लास की मैं बात कर रही हूँ, अभी मैंने बताया था क्लोज बटन कहाँ दिखाई देता है, तब मैंने आपको बताया था टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, टॉप ये हमारा टॉप है और ये हमारा बॉटम है। तो मैंने बताया था कि नज़दीकी बटन कहाँ दिखाई देता है, नज़दीकी यानी कि आपका क्लोज बटन कहाँ दिखाई देता है, तो हमने बताया था टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द विंडो, तो ये है। अब यहाँ पर पर्पज़ की बात हो रही है कि इस बटन का उद्देश्य क्या है, इस बटन का पर्पज़ क्या है, बताएंगे बिल्कुल। क्या करेंगे, इस पर हम जब क्लिक करेंगे, हम किसी डॉक्यूमेंट को खोले हैं और हमें बाहर जाना है, वहां से निकलना है, तो इसका उद्देश्य क्या है, हम इसको क्लोज कर देंगे राइट, उस डॉक्यूमेंट को हमें क्लोज कर देना है इस बटन पर क्लिक करके। तो इसका उद्देश्य क्या होगा, क्लोज बटन ऑप्शन ए। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ जूम ऑप्शन। जूम ऑप्शन का क्या उद्देश्य है, जूम सभी पता है, किसी भी टेक्स्ट को या फिर डॉक्यूमेंट को हम इनलार्ज या रिड्यूस करते हैं राइट। जैसे फोटो है, ज़्यादातर हम अपनी फोटो, कोई सेल्फी वगैरह लेते हैं तो ज़्यादातर हम अपनी फोटो जूम करके देखते हैं राइट। तो जूम ऑप्शन का क्या अर्थ है, मुझे इसका आंसर बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनलार्ज एंड रिड्यूस डॉक्यूमेंट एंड साइज, ऑप्शन ए। 18 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर टैब सेटिंग। टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है, किस विकल्प का उपयोग किया जाता है टैब सेटिंग के लिए। ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल रूलर, स्टेटस बार, वर्टिकल रूलर या फिर वर्टिकल स्क्रॉल बार। तो टैब सेटिंग के लिए जो विकल्प है वो है हॉरिजॉन्टल रूलर यानी कि क्षैतिज रूलर। नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का उद्देश्य क्या है, ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का उद्देश्य क्या है। देखिए, जो भी कमेंट में आपको केवल आंसर देना है ठीक है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, आंसर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ केवल और केवल क्वेश्चंस पर ध्यान दें, क्योंकि मुझे पता है आप दोबारा इन क्वेश्चंस को नहीं देखने वाले। मैं खूब कहूँ कि आप दोबारा प्लीज़ इन क्लासेस को देखिए, आप नहीं देखेंगे क्योंकि आप कहेंगे कि हम लास्ट में आपके मैराथन क्लास देखेंगे, जो आप हमारे रिविज़न के लिए करवाएंगे ना, हम उन क्लासेस को देखेंगे, तो तब हमारा रिविज़न हो जाएगा, तब सेकेंड बार हम उन क्लासेस को देख लेंगे। तो भाई, मैं आप कुछ नहीं कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी एक टीचर हूँ और आप लोग मेरे सामने बैठे हो और मैं फिर आपसे पूछाई स्टार्ट कर दूं कि भैया ये बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, टेस्ट लेना स्टार्ट कर दूं, तो वो तो आपकी मर्जी है ना, आपकी मर्जी है, आप टेस्ट देना चाहोगे कि नहीं देना चाहोगे, क्योंकि वो आप तो ऑनलाइन हो,
पूरा आप पे डिपेंड है, आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, कैसे पढ़ना चाहते हो, कब से पढ़ना चाहते हो, तो सब कुछ आपके ऊपर है। पढ़ाना हमारा काम है, हम पढ़ा रहे हैं। आपने बहुत कमेंट किए थे कि क्लास अभी से स्टार्ट करो, बहुत लेट कर रहे हो, आप अभी से स्टार्ट करो, तो हमने क्लास स्टार्ट कर दी है। अब अगर आपको नहीं पढ़ना है तो वो आपकी गलती है। वॉट इज़ द पर्पज़ ऑफ वर्टिकल स्क्रॉल बार? ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या होता है? दस्तावेज को ऊपर और नीचे करना, दस्तावेज को बाएं बाएं ओर करना, दस्तावेज को दाईं ओर करना, दस्तावेज को केवल ऊपर की ओर करना। तो जो ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार है, वर्टिकल वर्टिकल की बात आ रही है, वर्टिकल स्क्रॉल बार है, उसका उद्देश्य होता है दस्तावेज को ऊपर और नीचे करना, दस्तावेज को ऊपर और नीचे करना। वॉट इज द पर्पज ऑफ अंडो एक्शन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है? पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है, यानी कि अंडो एक्शन, अंडो एक्शन तो क्या होगा? रीस्टोर प्रीवियस एक्शन, गेट द करंट एक्शन, गोज टू प्रीवियस पेज, गोज टू प्रीवियस पैराग्राफ। देखिए, जैसे हमने कोई भी डॉक्यूमेंट, यहाँ से मैंने कोई भी डॉक्यूमेंट कट किया, यहाँ पे मैंने कर्सर लाए और उसको कट कर दिया, ऐसे करते गए करते गए करते गए, लेकिन फिर सोचा, अरे वो तो मैंने सही ट्रांसलेट किया था, तो अब वो मैंने गलती तो की है, तो उसको अंडो कैसे करेंगे? क्या होगा इसका आंसर? पिछली कार्रवाई को पुनर्स्थापित करें, इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस जेड। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज यूज टू एक्टिव एंड डीएक्टिव रूलर? कौन से विकल्प का प्रयोग रूलर को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए किया जाता है? इनमें से कौन सा विकल्प है जो रूलर को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है व्यू रूलर, ऑप्शन बी व्यू रूलर। 22 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कवर पेज? कवर पेज का उद्देश्य क्या है? इसको मैं ट्रांसलेट नहीं कर पाई हूँ इन ऑप्शन को आपको, लेकिन मैं अभी ये बता दूंगी। कवर पेज का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पढ़ेंगे, अलो टू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन, या फिर फिल्स ऑल द लिस्ट ऑफ पीपल इंटेंट ऑफ मेल, यानी कि मेल करने के इरादे से लोगों की सूची भरना, या फिर टू व्यू द मेल्ड लिस्ट, मेल की गई सूची देखने के लिए, या फिर कंटेंस डिटेल ऑफ द डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के विवरण शामिल करने के लिए। तो कवर पेज का उद्देश्य क्या होता है? कवर पेज का उद्देश्य होता है अलो टू फिल टाइटल, ऑथर, डेट एंड अदर इन्फॉर्मेशन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच मेन्यू कंटेंस सिंबल ऑप्शन इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड में कौन सा मेनू प्रतीक विकल्प है? एमएस वर्ड में कौन सा मेनू प्रतीक विकल्प है? ऑप्शन है टूल्स, टेबल, फॉर्मेट, या फिर इंसर्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमएस वर्ड में कौन सा प्रतीक, कौन सा मेनू प्रतीक विकल्प है? तो वो मेनू है इंसर्ट, ऑप्शन डी इंसर्ट। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड बिफोर पेस्ट? पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है? देखिए, पेस्ट से पहले हम क्या करते हैं, कोई भी हमारा डॉक्यूमेंट है, या फिर ये जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है, इस टेक्स्ट को हमें कहीं पर और ले जाकर पेस्ट करना है, तो सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे, राइट, कॉपी करेंगे, या फिर इसे हटाना ही है तो सबसे पहले हम इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद हम इसको कट करेंगे, राइट, तो उसके बाद पेस्ट करेंगे। पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस वी। एंड कॉपी की क्या होती है? कंट्रोल, सॉरी मैंने गलत लिखा है, CTRL। कंट्रोल प्लस क्या होता है पेस्ट का? कंट्रोल प्लस वी तो हो गया, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए। तो पेस्ट से पहले जो परफॉर्म किया जाता है वो कॉपी किया जाता है, तो पहले कट करेंगे, किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट को कट कर सकते हैं, उसके बाद वहाँ पर पेस्ट करेंगे, उसके बाद कॉपी भी कर सकते हैं, और कॉपी के बाद हम करेंगे उस डॉक्यूमेंट को पेस्ट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑप्शन इज यूज टू लोकेट एनी स्पेसिफिक कैरेक्टर, सिंबल्स और फॉर्मूलाज इन अ डॉक्यूमेंट? विकल्प में वर्ड प्रतीक या सूत्रों का पता लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? इनमें से वर्ड प्रतीक या सूत्रों का पता लगाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हमारे सामने है, फाइंड, सर्चिंग टेक्स्ट, रिप्लेस, या फिर सिलेक्टिंग टेक्स्ट। क्या होगा आंसर? ऑप्शन ए फाइंड। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच फीचर इज यूज टू क्रिएट अ न्यूज़पेपर टाइप डॉक्यूमेंट? समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए टेबल्स, टैब स्टॉप, कॉलम, या फिर बुलेट एंड नंबरिंग।
तो समाचार जो पत्र है उसका प्रकार बनाने के लिए जो सुविधा है, जो फीचर है, वो है कॉलम्स, कॉलम। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड टू रिमूव टैब स्टॉप मार्कर्स फ्रॉम रूलर। रूलर में टैब स्टॉप मार्कर को हटाने के लिए किस ऑपरेशन के क्रम की आवश्यकता है? रूलर में टैब स्टॉप मार्कर को हटाने के लिए जो क्रम है वो कौन सा है? ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ, ऑफ द रूलर, रूलर के टैब स्टॉप निर्माताओं को खींचे, या फिर यहाँ पर है टैब, यहाँ पर डैड लिखा है, टैब मार्कर, मार्कर ऐसे नहीं लिखा जाएगा, मार्कर ऐसे लिखा जाएगा, टैब मार्कर को डबल क्लिक करें और सभी को क्लियर कर दें, यानी कि हटा दें। टैब स्टॉप मार्कर, यहाँ पे देखिए टैब है, टैब, टैब स्टॉक मार्कर, मार्कर पर राइट क्लिक करें और निकालें, चुने। टैब स्टॉक मार्कर पर बायो, क्या मैंने लिखा है, क्या हो गया, लेफ्ट, बाएं क्लिक, बाएं क्लिक करें और निकालें और चुने। ये थोड़ा आपको लग रहा होगा कंफ्यूज कि भैया हम तो हो गए कंफ्यूज, ऊपर से ट्रांसलेट हुआ है गलत, तो और हो गए कंफ्यूज। एक तो क्वेश्चन समझ नहीं आया और ऑप्शन थे वो तो अब और बिल्कुल समझ नहीं आ रहे हैं। तो इसका आंसर देखिए क्या होगा, रूलर में टैब स्टॉप मार्कर को हटाने के लिए जो ऑपरेशन है वो किस क्रम में है, तो वो है आपका ड्रैग द टैब स्टॉप मार्कर आउट ऑफ द रूलर, रूलर के टैब स्टॉप निर्माताओं को खींचे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच फीचर इज यूज टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन वर्ड और नहीं सॉरी फॉर अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड, बिटवीन वर्ड्स फॉर अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में संरेखण के लिए शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? किस सुविधा का उपयोग किया जाता है, किसके लिए? एमएस वर्ड में संरेखण के लिए शब्दों के बीच की जगह को, शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए। अब शब्दों के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए जो है हमारा कौन सा फंक्शन है, कौन सा फीचर है, तो वो है हमारा जस्टिफाइंग, ऑप्शन सी जस्टिफाइंग। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच शॉर्टकट की इज यूज टू इन्वोक थिसोरस डायलॉग बॉक्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में थिसोरस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? थिसोरस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है, तो वो शॉर्टकट कुंजी है शिफ्ट प्लस एफ सेवन, शिफ्ट प्लस एफ सेवन। 30 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द फाइल नेम ऑफ द एक्टिव डॉक्यूमेंट डिस्प्ले। सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? आप कहोगे मैडम जी आप इसी क्लास में 5-6 आपने स्टार लगा दिए, तो क्या ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे? हाँ आए थे, इसीलिए तो स्टार का साइन लगा रही हूँ। आप कहोगे ऐसे कैसे मैडम जी, एक ही क्लास में 5-6 क्वेश्चन कैसे? जैसा कि पिछली क्लास में बताया था कि मेरे 2 बार एग्जाम हुए थे और दोनों बार ही मेरे सामने क्वेश्चन आए थे, मतलब जब पहला एग्जाम मेरा कैंसिल हुआ था तब मेरे ही कंप्यूटर पर क्वेश्चन खुल गए थे बहुत सारी, तो वो दोनों क्वेश्चंस का मिक्स मुझे याद है, 100+100 यानी कि 200 क्वेश्चन, समझ सकते हो? अब 200 क्वेश्चन दिमाग में होंगे तो फिर हर क्लास में कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन तो मैं आपको बता ही दूंगी कि हाँ याद आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन आया था, राइट? तो इस वजह से मैं स्टार लगा देती हूँ, चाहे मेरे जो कैंसिल एग्जाम हुआ था उस एग्जाम में आया हो या फिर जो मैंने फाइनल एग्जाम दिया था उस एग्जाम में आया हो, राइट? क्या होगा इसका आंसर? सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? जैसे कि अभी मैं पावर पॉइंट पे हूँ, अगर मैं पावर पॉइंट पर काम कर रही हूँ तो मैंने ये जो क्वेश्चन बनाए हैं इनका नाम तो कुछ रखा होगा ना भाई। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्वेश्चन मैंने अलग टाइप किए हैं पावर पॉइंट में, अलग स्लाइड उसकी बनी है, और थ्योरी के क्वेश्चन की अलग स्लाइड बनी है, और माई एसक्यूएल ये सारे जो टॉपिक है नए हैं उनकी मैं अलग बना रही हूँ, क्वेश्चंस को टाइप कर रही हूँ, हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ आपकी वजह से, क्योंकि हिंदी में कहीं नहीं है, हिंदी में कहीं नहीं है, इंग्लिश में तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, हिंदी में आपको मैं ट्रांसलेट कर रही हूँ आपकी सुविधा के लिए, तो उसके फाइल नाम को मैंने अलग तरीके से सेव किया होगा, तो वो जो फाइल नेम है वो कहाँ पर प्रदर्शित होता है? तो आप कभी देखना, चाहे एमएस वर्ड हो, चाहे एमएस एक्सेल हो, चाहे पावर पॉइंट हो, आपके ऊपर साइड यहाँ पर फाइल नाम प्रदर्शित होगा, यहाँ पर,
और ये जो पट्टी है यहाँ पर फाइल नाम प्रदर्शित होगा कि आपने किस नाम से, आप कौन सी फाइल खोले हो और किस नाम से आपने सेव करी है, तभी तो हम पहचान पाएंगे कौन सी हम फाइल खोले हुए हैं। तो इस पट्टी को क्या कहते हैं, टाइटल बार कहते हैं। ऑप्शन ए टाइटल बार। नेक्स्ट है हाउ कैन वी रेक्टिफाई द एरर्स अक्यर्स व्हाइल टाइपिंग, टाइप करते समय होने वाली त्रुटियों को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। टाइप करते समय जैसे हम टाइप करते हैं तो उसमें त्रुटियां होती हैं, जैसे अभी आपने देखी है मैं मुझे गूगल ट्रांसलेशन मैंने किया है तो उसमें गलतियां हुई हैं, तो उसके लिए जो हम त्रुटियां हैं उनको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ऑटो एंट्री, ऑटो ऐड, ऑटो स्पेल या फिर ऑटो करेक्ट, तो आंसर होगा ऑटो करेक्ट। 32 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ इंसर्टिंग हेडर एंड फूटर इन डॉक्यूमेंट, दस्तावेज में हेडर और फूटर का उद्देश्य क्या है, दस्तावेज में हेडर और फूटर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं, प्रारंभिक और अंतिम पृष्ठ बनाने के लिए, दस्तावेज की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, या फिर बड़े दस्तावेज को अधिक पठनीय बनाने के लिए, या फिर पेज हेडर और फूटर को दस्तावेज पर प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए। क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन डी, टू अलो पेज हेडर्स एंड फूटर अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट, दस्तावेज में हेडर और फूटर का उद्देश्य क्या है, ऑप्शन डी, टू अलो पेज हेडर एंड फूटर अपीयर ऑन द डॉक्यूमेंट। आज की क्लास में हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए, लगभग 32 ऐसे कुछ क्वेश्चन किए, 30+ क्वेश्चंस किए हैं। अगली हमारी क्लास होगी क्लास नंबर 5, और अगर आपके मन में ये क्रेविंग है कि मैडम आपने जो एग्ज़ाम दिया था उसमें आपके नंबर कितने आए थे या फिर आपने किस तरीके से तैयारी की थी, तो उसके लिए मैं अभी आप बने रहो, अभी आपकी स्क्रीन पर ही शो होगा माई हॉनेस्ट बुक रिव्यू, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है, राइट। उसमें मैंने अपने नंबर भी बताए कि मेरे नंबर कितने आए हैं और किस तरीके से मैंने तैयारी की थी, पहले कैसे की थी और जब मेरा एग्ज़ाम हुआ था तब मैंने किस तरीके से की थी, तो वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, इसी स्क्रीन पर शो हो जाएगी, उस पर आप क्लिक करेंगे और आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो अगली क्लास होगी हमारी क्लास नंबर 5, आईडी कोपा थ्योरी की, और टॉपिक हमारा कौन से रहने वाला है, ई कॉमर्स। अगली क्लास में हम करने वाले हैं ई कॉमर्स के बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस, तो क्लास से ज्वाइन होना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ईडीआई, ईडीआई का पूर्ण रूप क्या है। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक फुल फॉर्म वाली क्लास, जितने भी आपकी कोपा थ्योरी में फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन हैं जो बनते हैं कुछ कुछ टॉपिक से, क्वेश्चन एब्रीवेशन वाले, स्टैंड फॉर व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ सीजीआई, राइट, ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे तो उनकी मैं एक स्पेशल क्लास ले आऊँगी फुल फॉर्म वाली, स्पेशल फुल फॉर्म क्लास, जिसमें आपकी कोपा थ्योरी की सारी फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन उसमें मैं टोटल करवा दूंगी। तो उस क्लास का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा, जब भी आएगी मैं आपको एडवांस में बता दूंगी। व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइएगा, व्हाट्सएप ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाएंगे तो क्या होगा कि मैं जब भी क्लास लेती हूँ उससे पहले आपको अवगत करा देती हूँ। वैसे YouTube में भी फीचर है कि आप बेल आइकन प्रेस कर दें तो जब भी क्लास आएगी आपके पास वो घंटी बजेगी कि हाँ भैया हमारी क्लास आ गई है, अब हमें पढ़ना शुरू करना चाहिए। WhatsApp पे मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ कि आपकी क्लास, ये वाली क्लास इतने बजे आ रही है। वैसे 4 बजे ही फिक्स टाइम है, कोई टाइम इधर उधर नहीं रहने वाला है, 4 बजे हमारा फिक्स टाइम है। चाहे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की क्लास हो, चाहे थ्योरी की क्लास हो, सभी क्लासेस हमारी शाम के 4 बजे होंगी। व्हाट्सएप पे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाइए, लिंक आपको कॉमेंट में पिन कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी, और पिछली जो क्लासेस वहाँ से आप आसानी से हमारी पिछली क्लासेस देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप जाइए मेरे चैनल पर, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइए, आईटी एग्जाम कोपा थ्योरी 2024 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चले तो मिलते हैं आपको क्लास नंबर 5 में, हम अपना टॉपिक करेंगे ई कॉमर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से, मिलेंगे शाम को 4 बजे।